हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ह्यूमन कैरेक्टर को फ्री पिक से कैसे डाउनलोड करते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं, यानी कि उसको तैयार कैसे करते हैं अपने कैरेक्टर एडमिशन के लिए। मुझे बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम में मैसेज आया, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया था, वहाँ पे मैं बर्ड वाला करेक्टर को डाउनलोड किया फ्री पिक से और उसको यूज कर कैसे करते हैं, उसके लिए तैयारी कैसे करते हैं, वो सब मैं वहाँ पे सिखाया हूँ। यानी कि एनिमेट पे जाके उसको कैसा डिवाइड करते, किस तरह उसको आगे के लिए रेडी करते एनिमेशन के लिए। तो गाइज, ये पूरा आपको इस वीडियो में मिलेगा देखने के लिए, फ्री पिक का करेक्टर किस तरह हम यहाँ पे रेडी करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। यहाँ पे मैं अपने वाले यहाँ पे गूगल पे आता हूँ, तो गूगल पे मुझे क्या लिखना है, ह्यूमन कैरेक्टर यहाँ पे ऑलरेडी पहले से टाइप है, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया ह्यूमन कैरेक्टर फ्री पिक। तो ऐसा आप डालोगे तो यहाँ पे बिल्कुल ये फर्स्ट वाला लिंक आता है, इसको आपने ओपन करना है। फर्स्ट वाले लिंक को ओपन किया तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे खुल के आएगा, फ्री पिक का वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगा। तो मैं कोई भी एक डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए मैं इसको एक डाउनलोड इसको करता हूँ, इस पर ओके कर दिया। एक बार क्लिक कर दोगे तो कहीं कहीं पे ये फ्री, यहाँ पे फ्री में होता है, कई बार आपसे पैसा मांगता है। तो यहाँ पे मैं फ्री वाला करूँगा, यहाँ पे कोई पे नहीं करूँगा किसी को, तो फ्री वाला यूज़ करूँगा। आप चाहो तो पे कर सकते हो ताकि आप प्रॉपर से करेक्टर को खरीद सको। तो मैंने फ्री यहाँ पे फ्री डाउनलोड कर दिया और यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे प्रॉपर। तो गाइज, यहाँ से डाउनलोड होने के बाद मैंने यहाँ पे आया शो इनटू फोल्डर, तो जहाँ पे डाउनलोड होता है वहाँ पे, यहाँ पे ये जिप नाम से यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो मैं अब इसको क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस वाले पे ऑप्शन पे आऊँगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा एक बार। और इस पे ये करने के बाद यहाँ पे ये वाले बटन को प्रेस करना है ओके का। तो जैसे मैं ओके करता हूँ तो वैसे ये यहाँ पे अलग यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करता है। यहाँ पे देखो, फोल्डर क्रिएट कर चुका, पहले भी ये चीज़ मैं सिखा चुका हूँ, क्योंकि वो बर्ड्स वाला था इसलिए मैं ये वाला लाया हूँ, ताकि ह्यूमन वाले पे कैसे करते हैं। आपको ये सब कुछ नहीं करना, ये जेपीजी होता है, इस पर कुछ नहीं करना, इस पर कुछ नहीं करना। आपको फर्स्ट वाले जहाँ पे ईपीजी लिखा ना, इस पर आपको काम करना है। पहले भी सिखाया हूँ क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, बस इसको रीनेम कर दिया और यहाँ पे जाके इसको कट कर दिया डॉट तक और AI लिख लिया। ठीक है, पहले भी ये चीज़ सिखा चुका हूँ, अगर आप नए हो तो आपको पता नहीं होगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ फिर से ऐड करता हूँ, ये ऐसा कर देना, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो चुका। अब मैं इसी को सीधा ड्रैग करूँगा अपने एनिमेट पे आया, सीधा ड्रैग कर दिया। आप यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो, मैंने सीधा यहाँ पे ड्रैग कर दिया। जैसे मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे कुछ खुल के आएगा ऑप्शन, उसको बस मुझे ओके करना है। यहाँ पे जाएगा तो हमें बस इसको इम्पोर्ट कर देना है। यहाँ पे इम्पोर्ट करता हूँ, जैसे इम्पोर्ट करता हूँ वो यहाँ पे आ जाता है सारी चीज़ें। तो अब मुझे इस चीज़ को रेडी करना है, मुझे इस चीज़ को रेडी करना है। मैं एक आपको एक करके दिखाऊंगा, इसको नॉर्मली इसको करके दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास ये है, तो मैंने इसको पहले ब्रेक करना है। जैसे मैं ब्रेक करता हूँ तो मेरे पास ऐसे छोटे छोटे डब्बे डब्बे टाइप के बने रहते हैं। ये काफ़ी हैवी रहता है और कई बार तो ये बिटमैप भी होता है, बिटमैप मतलब इमेज होता है जो बिल्कुल ही क्वालिटी को डाउन कर देता है, तो कई बार नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इसको रेडी करना है, जो कि एक रिग का पार्ट है। तो रिग वाला वीडियो देखोगे आप तो प्रॉपर समझ आ जाएगा, पर ये वीडियो मैं अपने जो सब्सक्राइबर जो इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं उनके लिए लाया हूँ, क्योंकि जब तक आप करेक्टर को रेडी ना कर सको तब तक एनिमेशन कैसे करोगे। ठीक है, तो अभी देखोगे जैसे मेरे पास ये आ चुका, तो अभी ये एनिमेशन के लिए रेडी नहीं है, कुछ भी रेडी नहीं है। तो ये रिग का पार्ट है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपर जो फेस और हैंड है इनको मैं अलग करूँगा, सॉरी हेड के अंदर जो भी चीज़ है उसको मैं अलग कर दिया, सबको सिलेक्ट किया और इसको एक एफेट करके एक सिंबल बना दिया, जो भी इसके अंदर है, सारे आईज लो नोज लिप्स, और इसको कंट्रोल एक्स कर देना, अलग लेयर पे रखना। लेकिन गाइज, यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस लाता हूँ, मुझे सबसे पहले इसको सिंबल बनाना है। यहाँ पे सीन है ना, मुझे सबसे पहले अपर बॉडी को सिंबल बनाना है। मैंने हेड को तो ग्राफिक बना दिया, कोई बात नहीं, फिर मैंने पहले एक बार इसको क्या किया, सिंबल बना दिया, टाइप्स ग्राफिक ही रहेगा, और यहाँ पे आया और इसके अंदर चला गया। अब मुझे जैसे मैंने हेड को अलग किया तो कंट्रोल एक्स किया और हेड को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, हेड के अंदर देखो, अभी इसके अंदर भी देखोगे ना, सारा पार्ट अलग अलग है, तो इसी को हमें सेट करना है एनिमेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से यहाँ पे अलग ले रखा हूँ ये। तो अब मुझे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। मैंने हेड को तो ले लिया और इसके जो पॉइंट है क्यू प्रेस किया तो ये वाला टूल्स आ गया, तो मैंने क्यू प्रेस करके इसको यहाँ पे रख दिया, क्योंकि मुझे बाद में इसको मूव करना होता है। तो पॉइंट को मैं यहाँ रखूंगा, ये पॉइंट को मैं हिला नहीं सकता हूँ। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ से मैं F5 करके आगे करता हूँ। मैंने F5 कर दिया। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, अगर आप नए हो तो सबसे पहले आप मेरा रिग वाला वीडियो देखें, तभी आपको समझ आएगा किस तरह काम करना। रिग, आई ब्लिंकिंग, लिपसिंग, सारा चीज़ देखिए, तब जाके आपको समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर दिया और इसके बाद मैं अब इसके अंदर जाता हूँ। अभी मैं बॉडी पे काम नहीं करता, इसी के अंदर काम करता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे ये सारा रिग जैसा पार्ट है, तो यहाँ पे देखोगे सारा चीज़ अलग अलग है। तो यहाँ पे देखोगे गोला भी अलग है एक छोटा सा। तो आप चाहो तो पहले स्टेज कलर को थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं, अगर ये
यहाँ से स्टेज कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्टेज कलर में थोड़ा हल्का किया ताकि वाइट ज़्यादा ना है। तो अभी देखोगे जैसे ये है यहाँ पे, ये भी अलग है, तो मुझे क्या करना है, इन सबको शिफ्ट के साथ पकड़ना है। मैंने शिफ्ट के साथ पकड़ा एक एक करके, तो मेरा ये पूरा पार्ट आ चुका है यहाँ पे। और आईब्रो को भी पकड़ना, तो ये सब एक साथ रखना है। और मैंने इसको सिंबल बना देना है, एक सिंबल बना दिया, इसको कंट्रोल एक्स कर दिया और इसको ऊपर साइड एक लेयर करके ऊपर कर दिया, ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। कंट्रोल एक्स पेस्टिंग प्लेस करता, इस तरह मैंने ऊपर छोड़ दिया ऐसा। तो अब आपके इसके अंदर आपको आई ब्लिंकिंग होगा, वो सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ। आई ब्लिंकिंग वाला वीडियो देखे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे आई ब्लिंकिंग नहीं बनाना है, तो इसको मैं कट कर सकता हूँ। देखने के लिए क्या क्या मैंने चूज कर लिया, मैंने अभी यहाँ पे देखो ना, नोज है, तो नोज को मुझे अलग लेयर पे लेना है क्योंकि बाद में हमें एनिमेशन करना होगा, ठीक है। इसको मैं काट देता हूँ, नोज को मैंने यहाँ पे कंट्रोल एक्स किया और ऊपर जाके क्लियर लिया। हमें इसको अलग करना ही करना है ताकि एनिमेशन अच्छे से हो। तो ये मेरा नोज अलग हो गया, मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ ताकि पता लगेगा कौन कौन सी चीज़ बन चुकी है। यहाँ पे इस चीज़ को भी कट कर चुका हूँ। ये इसके बाद इसके अंदर लिपसिंग होगा, लिपसिंग वाला भी ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो, आप प्रॉपर देखिए लिपसिंग वाला वीडियो। तो इसके लिए देखो, अगर मुझे बाद में हेड में काम कर इसमें बाल में काम करना हो तो मुझे इसको अलग से रखना है, ये मेरा पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने एफेक्ट किया और इस इतने से बाल को मैंने अलग किया, इतने से बाल को, क्यों? क्योंकि मुझे इसको बाद में अगर एनिमेशन करना पड़े, थोड़ा सा मूव करना पड़े, ताकि मैं इसको ये वाले पॉइंट को मैं यहाँ लाता हूँ, कंट्रोल एक्स करके मैंने ऊपर ला दिया ताकि मैं इसको थोड़ा सा मूव कर सकूँ, हैंडल कर सकूँ, ठीक है। तो इस तरह अब मेरे को मैं आता हूँ कान पे, कान को मैं अलग अलग करता हूँ, दोनों कान को, जैसे दोनों कान है दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। एक एक करके मैं कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ और ऊपर से लेयर लिया और इसको भी ऊपर ले लिया। अगर ये ऊपर आ जाता है, जैसे फेस के ऊपर आ जाता है, तो आपको कान को नीचे लाना है। तो ये एक करेक्टर के ड्राइंग के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, हो सकता है आपका करेक्टर का ड्राइंग कुछ अलग हो, तो आप अपने हिसाब से, मैं खाली डिवाइड करना सिखा रहा हूँ। इसको सिंबल बना दिया और इसको भी कंट्रोल एक्स कर दिया, कंट्रोल एक्स करने के बाद इसको भी यहाँ पे जाके नीचे ला दिया और इसको पेस्टिंग प्लेस कर दिया और इसको एफेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं एक एक करके कट भी कर देता हूँ ताकि पता भी लगेगा कि कौन कौन सा यहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ खाली। तो गाइस, ये जो लेयरिंग है, किस तरह मैंने लेयरिंग लिया और यहाँ पे किस तरह मैं टूल ले रहा हूँ, ये सब बिगिनर का पार्ट है। अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो सबसे पहले आप मेरा पुराना वीडियो देखिए, मेरा बिगिनर वाला सीरीज देखिए, तब जाके आपको सारा समझ आ जाएगा। जैसे मैंने बाल को अलग किया तो इसको भी कट कर दिया और यहाँ पे आके इसको यहाँ पे देखो, जैसे ये बाल है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे निचला वाला ये पार्ट है, इसको मैं अलग से एक बना देता हूँ, इतने पार्ट को मैं एक बना देता हूँ। मैंने सबको कर दिया एक सिंबल बना दिया, कंट्रोल एक्स कर दिया और इसको मैं सबको मैं यहाँ पे नीचे वाले लेयर पे लाऊंगा। कुछ जो नीचे वाले दो लेयर्स है, 6 और 7, ये मेरे कान की लेयर्स है, तो इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसको मैं बंद करता हूँ तो बचता क्या पार्ट, ये वाला पार्ट, तो इसको मैं सबको एक ही बना देता हूँ ऐसा। बाद में क्या होता है, अब देखो सारी चीज़ अब अपनी जगह पे हो चुकी है, सारा हो चुका है। जैसे मैं हटाता हूँ, जैसे मैं ऐसे हटाता हूँ, इसको मैं F5 से आगे कर देता हूँ, तो इतना मेरा लेयर बन चुका है। ज़्यादा लेयर नहीं बना, कम सा लेयर बना है, तो इतना मैंने कर दिया। यहाँ पे नाम करने का कोई ज़रूरत नहीं आपको यहाँ पे, क्योंकि कई बार क्या रहता है, आगे जाके हम ऊपर नीचे कर लेते हैं सिंबल को, तो हमारा नाम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए यहाँ पे नाम मत करो, क्योंकि ज़्यादातर ज़रूरत होती है गेमिंग वाली चीज़ पे, जब आप गेमिंग के लिए कोई ग्राफिक क्रिएट करते हो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे मैंने ये रेडी कर दिया ना, अब मैं अपने मुताबिक इसको बाद में मूव कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे वैसे पूरा एनिमेशन बनाने वाला नहीं हूँ, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया, इज आउट चलो मैं नहीं देता हूँ। तो नॉर्मली देखो, अगर मैं इस फेस को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, जैसे मैंने आईज को देखो, नोज को पकड़ा, नोज भी हमारा सिंबल बना है, ये भी आईज भी हमारा अलग बना है, तो इसको मैं क्या किया, थोड़ा सा ऊपर किया ऐसा, तो ये बालों को मैं थोड़ा सा ऊपर कर सकता हूँ ऐसा, और ये ऊपर वाले बाल को मैं थोड़ा सा ऊपर कर सकता हूँ ऐसा, और ये कान को मैंने थोड़ा सा इस तरह नीचे कर दिया। अब देखोगे तो आप किस कैसा मैं मैनेज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे देख रहे हो बाल, देख रहे हो आप कैसे हो रहा है। तो गाइज, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, आपको बिल्कुल तैयारी करनी होगी किस तरह आपको करेक्टर को तैयार करना है अपना एनिमेशन के लिए। अगर आपने इस वाले हेयर को अलग रखा ही नहीं होता तो ये एनिमेशन हो ही नहीं पाता, क्योंकि ये पूरा इसके साथ कंट्रोल होता, सॉरी इसके साथ कंट्रोल होता, जो ये दो है ना, ये दो एक साथ है तो ये कंट्रोल होता, तो ये ऊपर हो ही नहीं पाता, यानी कि आपको प्लानिंग करना होता पहले। चलिए गाइज, उम्मीद है गाइज आप मेरी बात समझ रहे होंगे। कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में जल्दी रिप्लाई करूंगा अगर मुझे लगेगा कि वो रिप्लाई करने के लायक है, ठीक है। तो चलिए गाइज, तो यहाँ पे मेरा फेस का तो हो चुका है काम, इसके अंदर जाओगे तो सारा काम हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा एनिमेशन भी बताया मैंने किस तरह हम आप एनिमेशन कर सकते हो। तो अगली बात आती है, अभी ये करेक्टर है, ये हो चुका है फेस, आप चाहो तो फेस को बंद कर सकते हो। तो मैं इसके बाद अगली बारी में आता हूँ, हैंड पे आता हूँ, तो हमारा हैंड इस तरह ड्राइंग बना, क्योंकि क्या होता है जो फ्रीपिक्स हम डाउनलोड करते हैं वहां पे छोटी छोटी चीज अलग रखा होती है, इतनी छोटी छोटी चीज सारी अलग अलग रखी होती है। तो मैंने क्या करना है, जैसे मुझे हैंड लेना है तो मैं क्या करता हूं, ये हैंड एक साथ है तो मैं इसको एक साथ ले सकता हूं। जैसे इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, बाहर जाके मैं ड्रैग किया, क्या छूट गया, यहां पे देखोगे आप, ये सारी चीजें छूट चुकी है। अगर आप चाहो तो इन सबको एक साथ यूज कर सकते हो, सबको मैंने एक साथ लिया और यहां पे देखोगे क्या क्या चीज छूट रही है, तो इन सबको एक साथ ले सकते हैं ऐसा। फिलहाल के लिए मैं निचला वाला शेडो एक साथ नहीं लेता हूं, फिलहाल के लिए मैंने इतना सा अलग से इतना ले लिया और थोड़ा सा इसको लेता हूं, तो ये देखोगे इतना मैंने अलग से ले लिया। कौन सा पार्ट ले लिया, इतना सा पार्ट अलग ले लिया, सिर्फ ये वाला पार्ट छूट रहा है। आप चाहो तो ये वाला पार्ट भी ले सकते हो, खाली
ये वाला पार्ट देखोगे बाहर जाकर ड्रैग करके, तो ये यहाँ पे आ चुका, कंट्रोल जेड किया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सीधा सिंबल बना देता हूँ। मैंने इसको एक ही बना दिया। देखो ये सब जो ना आपका करेक्टर का ड्रॉइंग के अकॉर्डिंग होता है, किस तरह आपका ड्रॉइंग बना है यहाँ पे, किस तरह आपका काम यहाँ पे हुआ है। तो मुझे इसको ज़्यादा मूव नहीं करना, तो फिलहाल के लिए मैंने इसको एक ही सिंबल बना दिया और इसको कंट्रोल एक्स कर दिया और इसको ऊपर जाकर डिवाइड कर दिया। देखो अब जो भी चीज़ आपका इसके हिसाब से होगा, जिस तरह वो डिज़ाइन हो उसके हिसाब से अलग होगा। तो मैंने ये अलग रख दिया। अब जो अपर बॉडी है ना, इसको सारी बॉडी को एक साथ रख लेना। जो अपर बॉडी है, जैसे मेरी ये वाली बॉडी है, अपर बॉडी है, इसको मैंने एक साथ कर दिया। ऐसा नहीं कि गर्दन को अलग कर दिया, तो इसको मैंने F8 कर दिया, इसको भी कंट्रोल एक्स कर दिया और इसको मैंने ऊपर जाके ऊपर कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर अगर एनिमेशन करना हो तो आपको इसके अंदर जाना है, मान के चलो यहाँ पे टाइप है नहीं है तो उसको अलग कर सकते हो। जैसे मुझे मान के चलो इसको अलग अलग से सिंबल बनाना है, थोड़ा सा एनिमेशन करना है, अगर मुझे इसमें एनिमेशन करना है तब जाके मुझे अलग करना है, अदरवाइज आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो फिलहाल मैं ऐसे ही रखता हूँ। तो अभी क्या बचता अपने पास, ये पैर बचते इस तरह, तो इस तरह का ये पैर बचता है। यहाँ पे देखोगे तो ये अलग अलग है, ये पार्ट अलग है, तो इस तरह का अलग अलग पार्ट है। आपको अगर बाद में इसमें एनिमेशन करना हो तो आपको क्या करना होता है, इसको अलग अलग पहले डिवाइड करना होता है। जैसे मैं इसको अलग से डिवाइड करता हूँ, इसको ग्रुप बनाता है, तो यहाँ पे लाइन खींचाऊँ और यहाँ पे ग्रुप बना देता हूँ, यहाँ पे जो लाइन खींचा उसको डिलीट कर देता हूँ, डबल क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। ऐसा मैंने अलग अलग बना दिया बाहर आके, क्योंकि ये तब है कि क्योंकि मुझे बाद में रिग करना है। रिग वाला मैं आपको रिग वाला वीडियो में आपको पहले से बना चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके देखना। मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया बाहर आके, बाहर आके ब्रेक कर दिया। अभी अब क्या हुआ, अलग अलग हो चुका है, यहाँ पे अलग अलग हो चुका है। इस वाले पार्ट को आप भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। अभी गाइस क्या करूँगा, मैं इस वाले को अलग रखूंगा और इस वाले को अलग रखूंगा। आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो, अगर चाहो तो नहीं कर सकते। जैसे कि मतलब जो भी आपकी मर्जी है, अगर मुझे इसको डिलीट करना हो तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, अगर मैं उसको डिवाइड करना चाहता तो डिवाइड भी कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर जाऊँगा और इसको पहले ब्रेक करूँगा और ब्रेक करने के बाद इसको अलग अलग यहाँ से डिवाइड करूँगा, अगर मुझे करना हो तो, ठीक है। इस तरह मैं इसको ग्रुप बनाऊँगा, इस तरह उसको ग्रुप सॉरी यहाँ पे ग्रुप बनाऊंगा और डबल क्लिक करके यहाँ पे इस तरह कर दिया और मैं बाहर आ चुका हूँ। यहाँ पे इसको ब्रेक कर दूंगा तो ये भी अलग अलग यहाँ पे पार्ट हो चुका है। वेट, इसको मैं कंट्रोल जेड किया तो अगर मैं इसको यहाँ पे ये एक्चुअली में मूवी क्लिप हुआ है, यहाँ पे इफेक्ट पड़ा है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो ये मूवी क्लिप यहाँ से हट रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ आपको बताने के लिए। तो फिलहाल के लिए मैंने ये वाले को अलग करना है और इस वाले को अलग ही रखना है। मैंने इसको कंट्रोल एक्स करके इस छाया को अलग ही रखता हूँ यहाँ पे तभी कहता हूँ कि हर बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। तो मैंने इसको अलग किया हूँ और निचले वाले पैर को इसको एक साथ एक सिंबल बनाया हूँ, इसको अलग किया हूँ और दूसरे को मैं अलग सिंबल बनाया हूँ, दोनों को अलग किया हूँ और एक को मैंने कंट्रोल एक्स किया और इसको अलग लेयर पे पेस्ट कर दिया और दूसरों का तो अलग लेयर है ही है, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, अपना सारा काम हो चुका है। तो यहाँ पे देखोगे ये करेक्टर का यहाँ पे मैं पॉइंट रखूंगा, इसका भी सॉरी इस वाले ग्राफिक का मैं यहाँ पे पॉइंट रखूंगा, इस वाले ग्राफिक का मैं यहाँ पे पॉइंट रखूंगा, ताकि इन फ्यूचर मुझे इसमें काम करने के लिए इजी हो। सारा जो भी रिग वाला मैं बताया हूँ वीडियो में, आप देखिए आपको प्रॉपर पता लग जाएगा कि रिग कैसे करना है। अब इस पर रिग करना होता है प्रॉपर, इसको डिवाइड करना होता है, किस तरह डिवाइड करना होता है। यहाँ पे देखो आपका करेक्टर बिल्कुल रेडी हो चुका है काम के लिए, बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सिखाया भी है। तो नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एनिमेशन करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे की लगाया, यहाँ पे की लगाया और यहाँ पे जाके क्लासिक ट्विन दिया और यहाँ पे मैंने एक इंसर्ट दे दिया। ये नॉर्मली आपको काम के लिए बता रहा हूँ किस तरह आपका काम करेक्टर रेडी हो चुका है काम करने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह मैंने इसको थोड़ा सा आगे किया और थोड़ा सा आगे करने के बाद मैं फेस को थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ। और गाइज अगर मुझे इसको थोड़ा सा मूव करना पड़े तो मूव भी कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं ज़्यादा मूव नहीं करूँगा। आपको हमेशा याद रखना जो पॉइंट है पहले डिसाइड करना कि कहाँ रखना है, अगर आप बाद में इस पॉइंट को हिलाते हो तो वो प्रॉब्लम कर देगा। तो फिलहाल के लिए देखोगे आपका करेक्टर इस तरह मूव कर रहा है थोड़ा सा, है ना। तो मेरा नीचे वाला बॉडी पूरा पैर मूव नहीं करेगा क्योंकि अपर बॉडी से काम करूँगा, नीचे वाला पार्ट मेरा कम से मूव हो रहा है, तो इसको मैं और थोड़ा ज़्यादा करता हूँ इतना। तो इस तरह ये इस तरह मूव हो चुका है ऐसा, ठीक है। थोड़ा इस तरह क्योंकि फ्रंट है ना, तो इस तरह ये थोड़ा सा मूव हो रहा है ऐसा, और आपने थोड़ा हेड को इस तरफ रोटेट कर दिया। इस तरह आप अंदर भी जाके काम कर सकते हो। तो आपका ये प्रॉपर एक यहाँ पे मैं कितने पे बाहर आता हूँ पहले देखता हूँ, चार पे है तो पिछला वाला की चार पे फोर पे, तो यहाँ पे जाके मैंने F6 कर दिया। हमेशा ऊपर तक याद रखना कि ऊपर तक है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लासिक ट्विन देता हूँ, क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे इज आउट करता हूँ, तो यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो अपने मुताबिक। जैसे मैंने पहले भी किया था वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऊपर कर दिया ऐसा, थोड़ा सा ऊपर कर दिया क्योंकि अलग अलग रखा हूँ ना तभी ऊपर कर पा रहा हूँ, और इसको भी अलग अलग किया तभी नीचे कर पा रहा हूँ। यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे किया और यहाँ पे बाल को, ये बाल को इनको अलग पकड़ा और इन बाल को भी ऊपर कर रहा हूँ, और इस वाले बाल को जो अलग से रखा हूँ इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दिया। इससे क्या हुआ, अपना ये थोड़ा सा काम हो चुका है। यहाँ पे देखोगे पहले भी बताया ये छोटा सा काम हो चुका है, आई ब्लिंकिंग मैंने किया नहीं हूँ तो यहाँ पे नजर नहीं आ गया। यहाँ पे देख रहे हो किस तरह यहाँ पे काम हो रहा है इस तरह।
तो ये छोटा सा काम, ये रेडी हो चुका था करेक्टर काम करने के लिए। इसके बाद आप पूरा एनिमेशन कर सकते हो, बाल में देखो एनिमेशन हो रहा है। तो गाइज ये था एक ऐसा ट्यूटोरियल जहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि करेक्टर को किस तरह प्रीपिक से लेते हैं और किस तरह उसको डिवाइड करते हैं, बिकॉज उसके अंदर ये छोटी छोटी सी बहुत सारे यहाँ पे बने रहते हैं, तो उसको किस तरह हम मैनेज करते हैं करेक्टर एनिमेशन करने के लिए। ऑलरेडी मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका था, लेकिन जो मुझे मैसेज आए थे वहाँ पे कि ह्यूमन करेक्टर को किस तरह डिवाइड करते हैं, ऑलरेडी बताता हूँ कि आपको हमेशा जुगाड़ सीखना, तरीका सीखना। एनिमेशन देखो आप खुद से भी सीख सकते हो, एक बार आपको तरीका पता लग जाए। तो उम्मीद है गाइज आपको ये ट्यूटोरियल से कुछ सीखने को मिला होगा।